प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एमपी को सुशासन और विकास की निरंतरता चाहिए। उन्होंने कहा कि एमपी आज एक स्वर में कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। वहीं उन्होंने कोरोना काल में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि एमपी में कोरोना काल में लगभग 5 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त राशन दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले 5 सालों के लिए मुफ्त राशन देने की भी घोषणा की। महाकौशल ने भाजपा को बार बार आशीर्वाद दिए, इस बार भी महाकौशल ने भाजपा की महाविजय तय कर दी है। गारंटी किसको कहते हैं ये यहां नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए, हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है, इसका एक उदाहरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है, बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तब मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा, मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा, उनका चूल्हा कभी बुझा नहीं। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। और इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते, गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। साथियों, ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है, मेरा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। यहाँ भी भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना जैसी अनेक योजना बनाई है। ये सुविधाएं जिन बहनों के घर तक पहुंची है, उनमें से अधिकतर दलित बहने, पिछड़े परिवारों की बहने और आदिवासी परिवार की बहने ही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा के सेवा काल में अब मध्य प्रदेश एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी है जो यहाँ भाजपा के विकास कार्यों को देखते देखते ही बड़ी हुई है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स
अपने युवा साथियों को कहूंगा कि इस बार हर बूथ पर आपको नेतृत्व देना है। एमपी को देश के टॉप राज्यों में लाने के लिए हमें मिलकर काम करना है और मिलकर के कमल खिलाना है। राष्ट्र सर्वप्रथम